अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें। बहुत हालात बाहर के ख़राब हैं, लॉकडाउन भी चल रहा है, तो चलें सब कुछ साथ साथ ही है। अपना बहुत ख्याल रखें, बच्चों को घर में रखें, खसूस बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें, फॉलो करें, शेयर करें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज आपके साथ एक मज़ेदार पास्ता की रेसिपी शेयर करने लगे हैं जी। बहुत मज़े की है, आसान भी बहुत है। मैं इजी वे में आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपीज़। आई होप आपको पसंद भी आती होंगी। आप अपने घरों में ट्राई करके प्लीज़ मुझे बताएं कि आप सबको कैसा लगा। इसके लिए जो चीज़ें हैं, जो मेन है, मैं आपको बता देती हूँ। बाकी जैसे जैसे मैं इसके अंदर स्पाइस डालूंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये पास्ता का शेल पास्ता आप कोई भी सा भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने शेल लिया, एक पैकेट ये है, ये दो शिमला मिर्च थी मीडियम, उन्हें मैंने ऐसे चॉप कर लिया है। हाफ मैंने बंद गोभी लिया है, उसे भी ऐसे कर लिया। ये दो कैरेट्स हैं, इन्हें भी ये देखो मैंने इस तरह से काट लिया है। ये हाफ ड्रेस्ड है, जैसे मैंने ऐसे छोटा छोटा सा कट कर लिया है। एक मीडियम प्याज है, ये भी चॉप्ड हुआ हुआ है। और ये चार से पांच जवे लहसुन के हैं, ठीक है। ये जैसे हम कुक करेंगे मैं बता दूंगी। पहले हम गाजर को बॉईल करेंगे और पास्ता बॉईल करेंगे। यहाँ मैंने देगची में पानी रखा हुआ है, अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया। इसके अंदर नमक ऑयल डालकर और फिर मैं इसके अंदर चूल्हा जलाती हूँ, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर मैंने दो खाने के चम्मच ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। और इसके अंदर मैं 2 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये जैसे ही बॉयल होता है, हीट पे आता है पूरी तरह से, तो इसके अंदर मैं पास्ता ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मैंने पानी के अंदर गाजर डालकर अच्छी तरह से उसे धोकर, बहुत एहतियात करें, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, जिन्हें हुआ है इस बार कोरोना, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, जल्दी से वो सेहतयाब हो जाए। तो हर चीज़ का ध्यान रखकर मैंने बहुत अच्छे से इसे धोकर मैंने यहाँ पर इसे बॉयल होने के लिए रख दिया। तो ये जैसे ही बॉयल होती है हम आगे से अपना नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखेंगे पानी फुल जोश पर आ चुका, नेक्स्ट पैकेट डाल दूँगी पास्ता, ठीक है। इसको हम पकाएंगे अच्छी तरह से, ये गल जाए ज़रा। ठीक है, पास्ता बॉईल कर लेते हैं। इधर ये देख लें, गाजर भी बॉईल हो गई है। ये देखें जी, पास्ता बॉईल हो गया अच्छी तरह से। इसे मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। ये सारा इस तरह से मैं इसे निकाल के फिर एक बार इसे मैं ठंडे पानी से ड्रेन कर दूंगी, ताकि ये आपस में लगेगा नहीं। और मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल इसको ऊपर से यूज कर दूँगी ताकि ये चिपके नहीं, ठीक हो गया जी। ये देखें जी, कढ़ाई मैंने ऊपर रख लिया और इसके अंदर मैंने डाला है जी 4 खाने के चम्मच ऑयल, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये 4 खाने के चम्मच ऑयल है। अब इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँ। ये देखें जी, इसके अंदर मैंने डाल दिया ऑयल, मैं प्याज, इसे हम थोड़ा सा सौटे करेंगे, इसे हम सिर्फ पिंक करेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी कलर। ये देखें, ये हल्का सा पिंक हो गया, इससे ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना हम, ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हम वो लहसुन डाल देते हैं। ये देखें जी, ये लहसुन 4 से 5 जवे, ठीक है। इसे हल्का सा सिर्फ हमें इसमें टॉस कर लें, ना उसे ब्राउन होने देना और ना इसको। साथ ही हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे, ये जो हाफ ब्रेस चिकन है ये इसके अंदर डालेंगे और इसका भी कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे जब तक ये रेड से वाइट नहीं होगा। ये पिंक से यहाँ पे वाइट हो गया सारा। अब इसके अंदर मैं डालूंगी नमक, वो आपने बहुत टेस्ट डाला है नमक। मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपका टेस्ट है, ठीक है। इसके साथ इसके अंदर मैं डालूंगी काली मिर्च,
फोर वन टीस्पून। इसे हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं चिकन को। ये हो गया मिक्स। अब इसके अंदर हम इसकी वेजिटेबल्स डाल देते हैं। ये देखने जी, ये सारी सब्जियाँ इसके अंदर चली गई। गाजर भी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, आप चाहे तो मटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, आप की अपनी चॉइस है, मैंने नहीं डाले, आप चाहे तो डाल सकते हैं। इसे हम छोड़कर पकाएंगे, सब्जियों का पानी भी निकल आएगा और खुश्क भी हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर यहाँ पे हाफ टी स्पून काली मिर्च और डाली है, मुझे कम लग रही थी। और मैं यहाँ पर डालूँगी जी इसके अंदर एक खाने का चम्मच, मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया है, ठीक है। नमक मैंने इसलिए और नहीं डाला क्योंकि इस सोया सॉस में भी होता है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी जी, ये देखें, ये नैंडोज की पैरी सॉस है एक्स्ट्रा हॉट, तो मैं ये दो खाने के चम्मच डालूँगी, ये इनफ होते हैं, दो खाने के चम्मच, बहुत स्पाइसी हो जाता है। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने नैंडोज की सॉस डाल दी है, दो खाने के चम्मच मैंने भर के डाला है। सॉरी, दरअसल मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है साथ साथ आप लोगों को क्वांटिटी दिखाने में, मैं आपको बता ज़रूर देती हूँ। ये देखें, ये वाले मैंने दो खाने के चम्मच भर के मैंने इसके अंदर सॉस के डाले हैं। ये देखें जी, अब मैंने यहाँ इसके अंदर ये पास्ता ऐड कर दिया, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे वेजिटेबल के साथ। और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी जी क्रीम, तीन खाने के चम्मच, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से मैंने दो इसके अंदर डाल दिए हैं और ये एक लास्ट क्रीम चम्मच इसमें डाला। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके फौरन से हम क्रीम बंद कर दें। ये देखें जी, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार पास्ता रेडी है। आप भी अपने घर में ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें मेरी वीडियोस को। इंशाल्लाह जल्दी आपसे एक नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।